आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन करी, जिसके लिए हमने तेल पहले से ही कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, फिर ऐड करेंगे हरी मिर्च, फिर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, फिर प्याज हमारा ब्राउन कलर का होने तक उसे चलाते रहना है। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि प्याज जो है हमारा ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला लगभग भुनने लगा है। अब हम इसमें बाकी सब मसाले ऐड कर लेते हैं। पहले हम ऐड करेंगे स्वादानुसार सॉल्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। अब ऐड करेंगे गरम मसाला। अब ऐड करेंगे जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से हो गया है, तो अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और याद रखिए, मसाला हो जाने के बाद यहीं पर आप चाहे तो काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो ऑप्शनल है। अगर आप डालते हैं वो काजू का पेस्ट, एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा उसका। अब हमें इससे वो तेज़पत्ता निकाल देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तो हम इसमें अब ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न, जो हमने पहले से ही बॉइल करके रखा हुआ था। अब हम इसमें डाल देंगे सोया चंक्स, जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था। न्यूट्रिला सोया चंक्स, जो कि प्रोटीन में भरपूर होता है, 52% प्रोटीन होता है इसमें। और आप अच्छे से देख सकते हैं अब कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब आप देख सकते हैं और ये करी बनके तैयार है। बस इसे 2 मिनट के लिए कवर कर लेना। अब 2 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा सोयाबीन करी रेडी है। ये ग्रेवी वाला होता है, इसे आप जीरा राइस के साथ, नहीं तो प्लेन चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना यमी दिख रहा है। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये सब्जी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने की मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।